हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, पैसिव वॉइस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पैसिव वॉइस की सीरीज चला रहे हैं और पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा। अब उसके बाद है बारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बनते ही नहीं हैं, बनते हैं बट वो अनकॉमन होते हैं। ओके, तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ सेंटेंसेस और उनके जो भी डायमेंशंस होते हैं, उन सारे डायमेंशंस को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स सी। पैसिव वॉइस, ओके, क्या पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस की फर्स्ट जो हम क्या पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ओके, पहला चीज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सारी ही चीजों को वन बाय वन करके सीख लिया है टेंस वीडियो में। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। सब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे, हैजबली हैव, उसके बाद प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये है एक्टिव और ये है क्या, पैसिव। इसके अलावा जब सेंटेंस नेगेटिव होने लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। हम इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, उसके बाद हैजबली हैव यूज करेंगे, उसके बाद हमें यूज़ करना होता है नॉट, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, अनदर स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होता है जब इंटरोगेटिव उसका बनाने लगेंगे तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हैजबली हैव, जैसा कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, पूर्व किया जाता है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, इट मीन्स हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब कभी भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा क्या, हैजबली हैव प्लस सब प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या आएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज़ करेंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भले ही यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, लेकिन होता कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, तो इतने रूल्स को हमने अभी तीन रूल्स को पढ़ लिया इस वीडियो में। पहला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैजबली है प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, जब कभी भी इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन के बाद इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, प्रेपोजिशन बाई लगा के इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, भले ही लिखा गया सब्जेक्टिव केस में, लेकिन होगा वो कौन से केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, उसके बाद अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लगाएंगे सेंटेंस के एंड में। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हैजबली हैव के बाद आपको पता है कि नॉट वर्ड आता है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट लगाने के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, बीन, क्यों, क्योंकि सेंटेंस को हमें पैसिव बनाना है। उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूँ ही रहेगी और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे बाय प्रेपोजिशन के बाद लाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड ही होगा,
इंटरोगेटिव वर्ड लिखने के बाद हमें क्या, जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे, बीन, बीन के बाद हमें इसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहाँ पे रिप्लेस करना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है क्या, प्रपोजिशन बाई, और प्रपोजिशन बाई लगाने के बाद जस्ट आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद अदर और प्लस मार्क ऑफ फुल स्टॉप, नहीं मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। आई होप कितनी स्ट्रक्चर्स आपने अपने नोट पे लिख लिया होगा, तो मैं इन्हें मिटाता हूँ और ओके, और मिटाने के बाद मैं नेक्स्ट रूल को आपके समक्ष डिस्कस करता हूँ। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के साथ साथ बस केवल इंटरोगेटिव पढ़ा है। इंटरोगेटिव के बाद हमें क्या आता है, इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी कि हैजली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, पहले पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी हैजली हैव, क्या आएगा, हैजली हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ओके प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, हम पहले क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तो हमें यूज ही करना है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और वैसे भी पैसिव वॉइस में भी क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, और नेगेटिव होने के बाद क्या आएगा, बीन आएगा, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। और इस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को हम इसमें उसी में रखेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में प्रपोजिशन बाई लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को हम कहाँ पे लाएंगे, प्रपोजिशन के बाद, भले ही लिखा यहाँ पे है सब्जेक्ट लेकिन होगा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में होगा ये प्रोनाउन, उसके बाद इस अदर वर्ड को यहीं रखेंगे, और इंटरोगेटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। आई होप कि मैंने एक एक चीज़ों को ब्रेक करके आपको बता दिया है और आप अवेयर हो चुके होंगे उससे। ओके, जब डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव की बात आती है तो हम पहले क्या यूज़ कर रहे होंगे, डब्ल्यू ब्लिक एच के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हैजबली हैव, ओके डब्ल्यू ब्लिक एच प्लस हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट, ओके प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ब्लिक एच प्लस हैजबली हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ओके प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, सेम चीज़ें वहीं पे फॉलो करेंगी, पहले सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस उसमें भी डब्ल्यू एच फैमिली का इंटरोगेटिव है, तो डब्ल्यू ब्लिक एच पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, हैजबली हैव आएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन तो आएगा नहीं, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, बीन, और बीन के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या आएगा, प्रपोजिशन बाई, और प्रपोजिशन बाई लगाने के बाद उसके बाद ये क्या आएगा, सब्जेक्ट को प्रपोजिशन के बाद लगाना होता है, उसके बाद अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड के बाद जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्या आता है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन ही होगा। आई होप कि ये भी स्ट्रक्चर आपके समक्ष क्लियर होगा, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर बचा हुआ है और उसको डिस्कस करके और इन पे बेस्ड हम क्या देखेंगे, सेंटेंसेस को देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, डब्ल्यू ब्लिक एच, क्या लेंगे, डब्ल्यू ब्लिक एच के बाद क्या होगा, हैजबली हैव, हैजबली हैव, उसके बाद डब्ल्यू ब्लिक एच प्लस हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले हम क्या लाएंगे, डब्ल्यू ब्लिक एच, उसके बाद हैजबली हैव, हैजबली हैव प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव होने की वजह से क्या आएगा, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, क्यों मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि सेंटेंस कैसा था, इंटरोगेटिव था। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना, डब्ल्यू ब्लिक एच को यूज़ करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना ही है, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, नेगेटिव है तो नॉट का तो यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे, बिन लगाने के बाद इस वर्ब थर्ड फॉर्म को यहाँ रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हमें क्या लगाना है, प्रपोजिशन बाई, प्रपोजिशन बाई लगाने के बाद इस सब्जेक्टिव केस को यहाँ पे प्रपोजिशन बाई के बाद में हमें यूज़ करना होता है, और ये अदर वर्ड यही रहेगा, और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो हमने एक एक चीज़ों को देख लिया कि कैसे किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। हमने स्ट्रक्चर्स तो पढ़ ही लिया, लेकिन स्ट्रक्चर के पढ़ने से केवल इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को सीखने के लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो हम प्रैक्टिस पे अब उतरेंगे। ओके, नेक्स्ट। प्रैक्टिस सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जैसे मान लो हमने लिखा आई हैव बिटन यू, आई हैव बिटन यू, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। ओके, नेक्स्ट है सी हैज़ रेड इंग्लिश, सी हैज़ रेड इंग्लिश। ओके, जैसे कि एवरी वन हैज़ परचेज्ड दिस बुक। ओके, जैसे हैज़ सी रेड अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ओके, हैज़ सी रेड अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये किताब का नाम है। 1, 2, 3 and 4, हमने चार सेंटेंसेस लिया। अगर फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को लगाना होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू। सेंटेंस कौन, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैजबली हैव, क्या होगी, हैजबली हैव। ओके, हम हैजबली हैव लगाएंगे, उसके बाद क्या आता है, बीन आता है, तो हम लगाएंगे क्या, आई हैव बीटन यू। ओके, तो यू हैजबली हैव प्लस बीन प्लस बीटन को हमें लगाना ही पड़ेगा, बीटन बाई लगाना है, और बाई के बाद हमें क्या यूज़ करना था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भले ही लिखा जाएगा लेकिन होगा कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ओके, यानी कि यू हैजबली हैव बीन बीटन बाई मी। अब बड़ी बात तो यह है कि हैजबली हैव में से क्या यूज़ करें, तो यू को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन जहाँ तक वर्ब की बात होती है तो वर्ब इसके साथ हमेशा ही क्या आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब क्या आएगा, इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो पहले का इस पहले स्टेटमेंट को तो हमने जान लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि यू हैव बीन बीटन बाई मी। सेकेंड है सी हैज़ रेड इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, हालांकि एक किताब का नाम है तो ये एक विषय का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है, हमें किसको यूज़ करना है, हैज़ को यूज़ करना है, यानी कि इंग्लिश हैज़ बीन रेड बाई हर, और रेड बाई हर क्यों, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ये पहला रहा, ये सेकेंड रहा, और ये थर्ड। ओके, जैसे कि एवरी वन हैज़ परचेज दिस बुक, ये एवरी वन सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और ये परचेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और दिस बुक क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर बुक और दिस में भी डिफ्रेंशिएट करें, इनके पार्ट ऑफ स्पीच को देखें, तो बुक नाउन है और ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, यानी कि दिस बुक हैज बीन परचेस्ड बाय हुम, बाय एवरीवन। तो बाई एवरी वन यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी वन लिखा है, और एवरी वन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन को पैसिव वाइज में बाई प्लस
सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके तो ये सेंटेंस यहीं तक एंड है। अगर आप चाहें कि लिखा लिखा जाए यहाँ पे बाई एवरी वन तो सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, तो इसीलिए इसको बाई एवरी वन नहीं लिखा जाता। फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है, हैज सी रेड अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अगर आप एरर्स को देख के यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव का यूज करेंगे तो स्टूडेंट वो रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि ये किताब का नाम है और किसी भी नेम या टाइटल से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, किसी एक वस्तु का बोध होता है, दो या अनेक का नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स हैज़ बीन वर्ब क्या दिया है, हैज़ बीन रेड ओके बाई हर। और एक चीज़ हम देख ले, यहाँ पे सेंटेंस क्या था, इंटरोगेटिव था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है ना कहाँ पे आएगा, इस सब्जेक्ट के पहले आएगा, यानी कि हैज़ अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बीन रेड बाई हर। ओके तो ये सेंटेंस की क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, और ये क्या था, एक्टिव वॉइस था। तो हमने अभी तक के सेशन में कितने तरीके के सेंटेंस पढ़ लिया, तो अफर्मेटिव पढ़ लिया, ये भी अफर्मेटिव था, ये भी अफर्मेटिव था, और ये क्या था, इंटरोगेटिव था। बट इंटरोगेटिव को पढ़ने से पहले हमें नेगेटिव पढ़ना चाहिए था, तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं। जैसे मैं लिखूं कि आई हैव नॉट रीड दिस बुक, ओके आई हैव नॉट रीड दिस बुक, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है हैव यू परचेस्ड, हैव यू परचेस्ड अ पेन, सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। जैसे मैं बोलूं कि हैज सी नॉट अब्यूज्ड यू, ओके अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया डब्ल्यू एच का तो होगा कि वाई हैज सी बॉट अ कॉपी। ओके इसके अलावा हम सेंटेंस ले सकते हैं कि वाई, जैसे हुम हैज सी, हुम हैज सी नॉट गिवन दिस बॉटल। ओके हमने सारे तरीके के सेंटेंसेस को ले लिया। ओके अब वन बाई वन इनके पैसिव वॉइस पे चलेंगे। ओके पांच सेंटेंसेस हमने ले लिया। ओके पहला स्टेटमेंट है आई हैव नॉट रेड दिस बुक, अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में बनाऊं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा दिस बुक हैज नॉट बीन रेड बाय मी। ओके क्या होगा, दिस बुक हैज नॉट बीन रेड बाय मी, यानी कि आई हैव नॉट रेड दिस बुक। पहले हम दिस बुक को लाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद हमें दिस बुक के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। बुक सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए हमने नॉट को लगाया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये हैज़ली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, हैज़ली हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। और सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन लगाते हैं। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। ओके तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया कि दिस बुक हैज नॉट बीन रीड बाय मी, तो बीन लगाएंगे। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। ओके तो इसलिए इसमें इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद प्रपोजिशन बाई लगा के और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे और हो जाएगा किस में, ऑब्जेक्टिव किस में। तो पहले सेंटेंस का हमने आंसर तो बना लिया। ओके नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर टू को
तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव होने की वजह से ही सेंटेंस के एंड में क्या है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन आया। हैव यू परचेज्ड अ पेन, यानी कि हैज अ पेन बीन परचेज्ड बाई यू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा, हैज अ पेन, क्या हैज अ पेन बीन परचेज्ड, क्या लिखा है, परचेज्ड बाई यू। ओके, पैसिव बन गया, दैट सिंपल। कितना सिंपल है, पहले हम क्या यूज़ करेंगे, पहले सेंटेंस इंटरोगेटिव का तो हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ अवली हैव में से कोई एक सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या चलेगी सिंगुलर, हैव को काट देंगे। उसके बाद हैज़ अ पेन, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है परचेज्ड, और उसके बाद प्रपोजिशन बाई लगा के, और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाना है प्रपोजिशन के बाद, तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है। ओके, ये तो हमने सेंटेंस देख लिया सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। ओके, थर्ड नंबर लिखा हैज सी नॉट अब्यूज्ड यू, हैज सी नॉट अब्यूज्ड यू, यानी हैव यू बिन नॉट, हैव यू नॉट बिन, हैव यू नॉट बिन अब्यूज्ड, अब्यूज्ड बाय, क्या लिखा हैज सी नॉट अब्यूज्ड यू, यानी हैव यू नॉट बिन अब्यूज्ड बाय हर। ओके, यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे, लगाएंगे यू के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव आएगा, हैव के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, कैसा है, नेगेटिव, और उसके बाद बिन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज का, अब्यूज ही हो, अब्यूज ऑलरेडी ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे भी क्या होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा। उसके बाद प्रपोजिशन बाय लगा के हमें क्या लगाना है, सी का ऑब्जेक्टिव केस, यानी हर। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर की, तो लिखा है वाई हैज, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, वाई हैज राम बॉट अ कॉपी, वाई हैज राम बॉट अ कॉपी, यानी कि वाई हैज अ कॉपी बिन बॉट बाई राम। ओके, पहले हमें क्या लगाना है, वाई, ये ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर, भले ही लिखा गया ऑब्जेक्ट, लेकिन होता क्या है, सब्जेक्ट बन जाता है, प्राइम हो जाता है, ऑब्जेक्ट ही प्राइम होता है पैसिव वॉइस में, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो अ कॉपी तो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा सिंगुलर। उसके बाद क्या आएगा, बीन, बीन के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई नाम का ये वर्ड क्या है, ये जो बाई नाम का वर्ड है ना, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट ही होता है, क्या होता है, बॉट ही होता है, तो हमने बॉट लगा लिया, चलो सही है। उसके बाद क्या लगाना है, प्रपोजिशन बाई लगा के, उसके बाद क्या आएगा, ये राम आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या, यहाँ पे राम प्रपोजिशन के बाद, और नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही रूप में होता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, हुम हैज सी नॉट गिवन दिस बॉटल, यानी कि हुम हैज सी नॉट गिवन दिस बॉटल, जब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो हम इस बॉटल को भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, या हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हु का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हु हैज नॉट बीन गिवन गिवन दिस बॉटल बाई बाई हर, बाई किसके द्वारा, बाई हर, या हम जब इसका अनदर तरीके से पैसिव वाइस बनाएंगे, जब हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, यानी कि हुम क्या लगाएंगे, हुम हैज दिस बोटल नॉट बिन गिवन, गिवन के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रपोजिशन टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया है, जब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, प्रपोजिशन आता है, यानी कि हुम हैज दिस बोटल नॉट बिन गिवन टू, और बाय हुम, बाय हर। ओके, तो इसका ये पैसिव वॉइस था। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो जर्नी था ना पैसिव वॉइस का, आपने बहुत ही अच्छे और क्लियर तरीके से समझा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, सो बाय एंड टेक केयर, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे।
सो बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ ओके।